इसके अंदर आज हम SSD ड्राइव जो है ना वो अपग्रेड करेंगे, ठीक है। ये 128 की SSD ड्राइव है, ये अपग्रेड करेंगे। तो उसके लिए हमें इसको टोटल जो है ना ओपन करना पड़ेगा, इसका डी कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नए इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल लैटिट्यूड है, E5440 मॉडल है इसका। इसके अंदर आज हम SSD ड्राइव जो है ना वो अपग्रेड करेंगे, ठीक है। ये 128 की SSD ड्राइव है, ये अपग्रेड करेंगे। तो उसके लिए हमें इसको टोटल जो है ना ओपन करना पड़ेगा, इसका डी कवर। तो सबसे पहले आपने इसकी बैटरी वगैरह जो है ना उतार लेनी है। बिस्मिल्लाह, ये बैटरी इसकी उतर गई है। उसके बाद ये इसके स्क्रू होते हैं, ठीक है। ये स्क्रू आपने उतार लेनी है, टोटल हमने तो उतार ली हुए, ठीक है। उसके बाद स्क्रू उतारने के बाद ये इसका कवर होता है, ये आपने ओपन कर लेना है। बिस्मिल्लाह, ये डी कवर, ठीक है। ये डी कवर ओपन हो गया इसका। तो ये इसकी SSD ड्राइव है, ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, ये ओपन कर लेंगे। उसके बाद मेन जो चीज़ है, इसके अंदर M1 कार्ड भी जो है ना आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी ऑप्शन भी है ये, ठीक है। M1 कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, SSD कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो M1 कार्ड की ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल मौजूद है, ठीक है। तो ये स्क्रू ओपन कर लेंगे इसके। बिस्मिल्लाह, लें जी ये इसकी रबर्स। तो ये रबर्स वगैरह जो है ना इसकी SSD की फिटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद जो है ना इसको पैक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छी SSD पैक हो गई है। अभी ये इसको जो है ना स्क्रीन लगा के पैकिंग कर लेंगे। जी ये स्क्रीन लग गई है इसकी, ठीक है। तो ये पैकिंग हो गई है इसकी। अच्छा, अब इसके अंदर इंस्टॉलेशन वगैरह कर लेंगे, विंडो की इंस्टॉलेशन करके तो फिर इंशाल्लाह आपको चेक करवाते हैं जी इसकी SSD वगैरह आप लगा के। तो ये विंडो वगैरह कंप्लीट जो है ना इसकी इंस्टॉलेशन हो गई है, अभी प्रॉपर जो है ना ये विंडो वगैरह रन हो रही है इसकी। ठीक है, विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन की है हमने, तो ये प्रॉपर ओके है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।